तीन ऐसे रीजन जिस वजह से VCL दैट मीन्स कि वेक्स टैक्स कॉट फैब लिमिटेड लोअर सर्किट या फिर कुछ दिनों में डाउनफॉल हो सकता है, एंड कुछ ऐसे रीजंस जिस वजह से ये स्टॉक और भी लंबे समय के लिए ऊपर जा सकता है। अराउंड 2 पॉइंट्स, हम अराउंड 5 पॉइंट्स कवर करने वाले इस वीडियो में, जिस वजह से आपको क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा कि आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर कितने समय के लिए होल्ड करना चाहिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्स टैक्स कॉट फैब लिमिटेड के बारे में। बता दूं कि ये वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस या फिर एनालिसिस के ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि एनालिसिस के ऊपर कंप्लीट मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना कर रखी है। अगर आप चाहें तो आई बटन पे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम पहला रीजन दैट मीन्स कि तीन रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों यहाँ पर जो है लोअर सर्किट लग सकता है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि ये फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। कैसे, लेट मी शो यू। अगर हम 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो हमें देखने को मिलेगा ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब हम YTD देखें तो अगेन ऊपर जा रहा है। 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न जब देखते हैं तो अगेन हमें ऊपर देखने को मिलता है, एंड मैक्स के चार्ट पैटर्न में सेम ही हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कंटिन्यूसली जो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। हाँ, आपको सर यहाँ पर लगता होगा कि स्टॉक जो है 2022 में ही जो है मार्केट में लिस्ट हुआ है। सो इसके लिए मैं आपको ना बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी और ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म पर, दैट मीन्स कि किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर आप सर्च करते हैं VCL, दैट मीन्स लाइक स्क्रीनर हो या फिर इसके अलावा टिकट ऐप हो, तो यहाँ पर आपको ना देखने को मिलेगा कि 2022 या फिर 2020 का चार्ट पैटर्न। सो हाँ, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था विद वॉल्यूम ऑफ 1 लाख या फिर बोल सकते हैं 100 लाख या फिर मोर देन 100 लाख। ठीक है, 100,000, 1 लाख के आसपास। एंड अभी अगर आप देखोगे फ्रेंड्स 2022 में स्टॉक जो है 22-23 रुपये दिखा रहा है, एंड उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आज अगर देखें तो 30 रुपये के आसपास जो हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक। सो यहाँ पर हमें क्लियर चार्ट पैटर्न नहीं दिखाया जा रहा है। 50 रुपीज़ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट अगर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 20 रुपये जो 50 रुपीज़ लोवेस्ट एंड हाईएस्ट 30 रुपये 95 पैसे के आसपास। ठीक है, एंड जब आप देखते हैं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न तो आपको देखने को मिलेगा कि ये नॉर्मली वैसे ही ट्रेड कर रहा है। 5 डेज में भी आपको यहाँ पर क्रैक अप डाउन एंड क्रैक एंड अप डाउन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ये फिलहाल हमें ट्रेड होते देखने को मिला है, एंड जब भी कोई स्टॉक बहुत ऊपर जाता है तो अगेन डाउनफॉल होता ही होता है। एंड ये दूसरा रीज़न क्यों ये डाउनफॉल हो सकता है, ये एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, पेनी स्टॉक जब गिरती हैं तो अगेन 30-40, 40-50, मोर देन 50% डाउनफॉल होता ही होता है। पेनी स्टॉक कैसे, देखिए मार्केट कैप इसकी छोटी सी है, एंड इसके अलावा प्राइस अगर देखें तो ये 30 रुपीज़ एंड 85 पैसे के आसपास है। इसके अलावा अगर देखें तो इसका बिजनेस डिफरेंस उसी प्रकार से हल्का फुल्का ही हमें देखने को मिलता है। एंड थर्ड रीज़न इज कि ये ऑपरेटर के द्वारा ऑलमोस्ट ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है बता दूँ आपको कि इस स्टॉक को लेकर अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। जैसे कि अभी से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, एंड जो ऑपरेटर्स या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले बहुत अच्छे प्राइस में होल्ड किया था, वो इसे धीरे धीरे जो है अच्छी खासी सेल भी कर रहे हैं। बट फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है बायर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, एंड स्टॉक्स को सेल करने के बाद भी ना ये सस्टेन कर पा रहा है, एंड कुछ समय के बाद जो है फिर से ऊपर जा पा रहे। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इस पर ना एक टारगेट बनाया गया है कि ये स्टॉक जो है विद इन 1 मंथ 100 रुपीज़ के आसपास जाएगा। देखिए 100 रुपीज़ के आसपास जाए या ना जाए, शायद ये और थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन बता दें कि ये जब गिरेगा तो बहुत ही ज़ोर से गिर सकता है। मैटर क्या करता है कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर है या तो फिर अगर आप एक बिगिनर है, तो सबसे बेस्ट होगा ना कि आप पहले किसी से कंसल्ट कर लें कि क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सो अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे तो फंडामेंटल एनालिसिस देख लीजिए जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अब हम कुछ और रीजन्स ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये स्टॉक जो है और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है ऐसे पेनी स्टॉक्स में, जब अपर सर्किट लगता है ना तो अच्छा खासा अपर सर्किट लगता देखने मिलता है। मान के चलिए एटलीस्ट 10 या फिर 20 अपर सर्किट यहाँ पर लगते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इस वाले स्टॉक में देखेंगे फ्रेंड्स, 5 डेज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ना ऊपर तो स्टॉक जा रहा है, बट अब अगर आप देखें तो डिप भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि सेलिंग भी हो रही है, फिर से ऊपर जा रहे हैं, फिर से सेलिंग हो रही है, एंड फिर से अगर आप जब ऊपर गया तो फिर से यहाँ पर जो हमें सेलिंग देखने को मिली, एंड आज वाले दिन भी जो है ऊपर जाता है फिर से जो यहाँ पर हमें सेलिंग दैट मीन्स कि क्रैक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये अच्छे से और ऊपर जा सकता है। दैट मीन्स कि स्ट्रेट अगर जब अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये
यहाँ पर अपने ऑपरेटर्स जो हैं वो अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, एंड जो पब्लिक है, जो भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ एंटर कर रहे हैं, इसे बाय कर रहे हैं। एंड ये जब बाय करते रहेंगे और जब ये सेल करते रहेंगे, तो कुछ समय के बाद नो डाउट कि ये स्टॉक जो है धीरे धीरे गिरने भी लगेगा। मे बी लोअर सर्किट ना लगे क्योंकि बायर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, बट जब लोअर सर्किट लगेगा तो फ्रेंड्स आप इसे सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड दूसरा और एक रीज़न कि क्यों यहाँ पर जो है और ऊपर ये जा सकता है, दैट इज़ कि ऑपरेटर्स की तो एंट्री है, एंड उसके साथ ही साथ जो है अच्छी खासी एड्स भी एंड प्रोमोट भी अच्छा खासा किया जा रहा है। लाइक आपको अनाप शनाप प्रोजेक्ट्स बोल दिए जा रहे हैं कि इस कंपनी को जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके साथ ये किसी और के साथ ये जुड़ गई है, या फिर 3,000 करोड़ के या फिर 300 करोड़ के इसे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ है इस कंपनी में, सो नो डाउट कि ये ग्रो करेगा। इस प्रकार के बहुत सारे हवाई बातें ना इस कंपनी के रिलेटेड फैलाई जा रही है, एंड दैट्स वाई जो है ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है, एंड हो सकता है कि और भी अगर बाहर आते तो शायद ये थोड़ा ऊपर जा सकता है। सो ये टोटल 5 पॉइंट्स जो है हमने कवर कर लिए, बट एट द एंड में हम ये समझते हैं कि क्या आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आप ना इसे लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ करें और ना ही शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ऐसे स्टॉक्स ना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, नो डाउट कि बहुत ही लुभावने होते हैं, क्योंकि 30 रुपये का स्टॉक हर दिन 5% के आसपास ऊपर जा रहा होता है। लेकिन बता दें कि इसी 5% की वजह से ना आप अगर कभी ट्रैप हो गए तो आपका 1 लाख, आपका ये जो 1 लाख है ना, विद इन फ्यू वीक्स या फिर फ्यू डेज गिर करके 40,000 हो जाएगा, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इसे सेल भी नहीं कर पाओगे। सो इस प्रकार की सिचुएशंस भी जो है मार्केट में हमें बहुत बार देखने को मिली है, एंड दैट्स वाई आप अगर बिगिनर हैं तो प्लीज़ ऐसे स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के लिए ना जाएं। एंड अगर आपने जैसे अगर आपने बाय कर भी लिया है तो फ्रेंड्स ट्राई करें कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है यहाँ से आप 3 दिन के बाद यहाँ से एग्जिट कर लें। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपने स्टॉक बाय किया है ना तो आपको एटलीस्ट जो है T+2 डेज, दैट मीन्स आपने जिस दिन स्टॉक को बाय किया है उसके बाद जो आपको 2 दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इस स्टॉक को जो है सेल कर पाते हो। सो ऑलमोस्ट आपको जो है 3 दिन के लिए वेट करना ही होगा, एंड जैसे ही ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आता है तो आप ट्राई करें यहाँ से एग्जिट करने का। लेकिन ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, ना कि आपको ये बोलने के लिए कि आप बाय कर लो या फिर सेल कर लो। अगर मैंने ऐसे कुछ बोला है तो इसके लिए बहुत ज़ोर से क्षमा मांगता हूँ। आपका अपना डिसीजन फाइनल डिसीजन होना चाहिए, किसी भी स्टॉक को बाय या फिर सेल करने से पहले ना आपको अपना डीप डिटेल रिसर्च कर लेना चाहिए किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग, ठीक है। VCL की रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी फंडामेंटली एनालिसिस करके रखा है, बिजनेस पर्पज़ भी बता कर रखा है। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को डिटेल में जरूर देखें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड ध्यान रखिएगा कि दिस स्टॉक इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ये आप समझ सकते हो कि मैंने एडवाइस दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फ्रेंड्स अभी ना बहुत सारे IT सेक्टर के स्टॉक्स हो या फिर फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हो, सारे के सारे स्टॉक्स ना आपको अच्छे खासे फिलहाल डिस्काउंट में मिलते हुए देखने को मिल रही है। जैसे बजाज हो या फिर विप्रो हो या फिर TCS हो, ये सारे के सारे जो है आपको फिलहाल 30% के आसपास डाउनफॉल हो चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। सो ये अच्छा मौका होता है यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। सो आप ऐसे स्टॉक्स में जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल मेक अगेन ए डिटेल्ड वीडियो कि कहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के क्रैश के समय इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय।